Welcome back to Car Dekho, where we help you pick the right car right now, and welcome back to a brand new episode of Buy or Hold, जहां हम आपको बताते हैं एक upcoming car के लिए wait करना चाहिए या नहीं. Tata Punch, interesting compact SUV. इस गाड़ी के लिए wait करना चाहिए या नहीं, चलिए बताते हैं आपको. उससे पहले समझते हैं Tata Punch के कुछ basics. अब Tata Punch को आप क्या कहेंगे, एक ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली क्रॉस हैच या एक माइक्रो एसयूवी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. टाटा पंच बेस्ड है कॉन्सेप्ट H2X और कॉन्सेप्ट HBX से, जिसके बेसिस पर हमें इसके साइज का एक अच्छा अंदाज़ा लग जाता है. लेंथ की बात हो, विड्थ की बात हो, हाइट की बात हो, सभी एस्पेक्ट्स में ये महिंद्रा KUV100 और मारुति सुजुकी इग्निस जैसे राइवल से थोड़ी बड़ी ही साबित होती है. अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में. 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको डेफिनेटली मिलेगा टाटा पंच में, 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT के साथ. डीजल इंजन आपको टाटा पंच में नहीं मिलने वाला, लेकिन क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म EV रेडी है, 2022 या 2023 के आसपास आपको टाटा पंच EV डेफिनेटली मिल जाएगी. बेसिक्स की हो गई बात, चलिए अब बताते हैं आपको व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर व्हिच यू शुड वेट फॉर द टाटा पंच. अब आप टाटा फैन बॉय हो या नहीं, आप ये तो एडमिट करेंगे कि टाटा ने डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काफ़ी इम्प्रूव किया है. शुरुआत हुई थी हैरियर के साथ, और वैसी ही टफ और स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन फिलॉसफी आपको टाटा पंच में देखने मिलने वाली है. पतले से LED डे टाइम रनिंग लैंप्स, बम्पर पर प्रोजेक्टर, हेड लैम्प, 16 इंच के ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स और इंटरेस्टिंग LED एलिमेंट्स वाले टेल लैम्प्स आपको टाटा पंच में मिलने वाले हैं. अगर आपकी अगली सिटी SUV में स्वैग का होना बहुत ज़रूरी है, तब आप टाटा पंच के लिए वेट कर सकते हैं. टाटा पंच इस सेगमेंट में कुछ यूनिक फीचर्स लेके आएगी. इसमें अल्ट्रॉस का फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल और 7-inch डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मौजूद होंगे. इसके अलावा कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स कैमरा, ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं. तो अगर आपको एक छोटी SUV चाहिए लेकिन फीचर्स पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ऑल ऑफ दीज इज अ मस्ट हैव, तब भी आप टाटा पंच के लिए वेट कर सकते हैं. ऑटो एक्सपो 2020 में मैंने कॉन्सेप्ट HBX के अंदर कुछ समय बिताया, और उस एक्सपीरियंस पर बेस्ड मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये गाड़ी शायद बाहर से छोटी लगती हो पर अंदर से स्पेशियस है. अगर आपको एक अंदाज़ा देना हो तो टिगोर और अल्ट्रॉस के बीच में कहीं आपको रियर सीट नीरूम मिलेगा, और क्योंकि बाहर से ये गाड़ी काफ़ी ऊँची है, अंदर भी हेडरूम की आपको शिकायत नहीं होगी इवन इफ़ यू आर 6 फुट टॉल. टाटा पंच में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो इसके साइज के हिसाब से काफ़ी अच्छी है. प्रैक्टिकलिटी अगर आपके मस्ट हैव लिस्ट में काफ़ी हाई रैंक करती है, तब भी टाटा पंच एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. पंच टाटा के ब्रांड न्यू अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसी प्लेटफॉर्म पर टाटा अल्ट्रॉस भी बेस्ड है, और उसे ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में फुल 5 स्टार्स मिले हैं. तो इसी वजह से हमें टाटा पंच से भी सेफ्टी की काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है, और टाटा मोटर्स इस डायरेक्शन में काफ़ी सारे हिंट्स भी ड्रॉप कर रही है. सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो टाटा पंच में ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, कॉन्स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स डेफिनेटली मौजूद होंगे. तो अगर आपकी गाड़ी छोटी हो सकती है पर सेफ्टी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तब भी टाटा पंच के लिए आप वेट कर सकते हैं. चलिए अब देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या हैं, एंड लेट्स टेल यू द मेन रीजंस टू कंसिडर देम. शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी की इग्निस के साथ. लगभग 4 साल पहले जब मारुति सुजुकी ने इग्निस को इंट्रोड्यूस किया था, तो ये सबको थोड़ी अटपटी ज़रूर लगी थी, लेकिन इस गाड़ी के बेसिक्स काफ़ी सॉर्टेड है. स्पेस अच्छा है, इंजन स्मूथ है, रिलायबल है, और थोड़ा फन टू ड्राइव भी, और माइलेज भी बेहतरीन है. हाँ, यहाँ डिज़ाइन सबको पसंद शायद नहीं आएगा, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन अगर आपको वेट नहीं करना, आपको अच्छी स्पेस वाली छोटी सिटी गाड़ी चाहिए विथ गुड ग्राउंड क्लियरेंस, आप तुरंत ही मारुति सुजुकी इग्निस को कंसिडर कर सकते हैं. इन दोनों SUVs को हम इनके अग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से इस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं.
अब चाहे आप रेनो की काइगर लें या निसान मैग्नाइट, दोनों में अच्छा स्पेस, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी और प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ, इनके नॉन टर्बो इंजन सोसो है और इंटीरियर क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप डेफिनेटली है। इन दोनों के पास जो एडवांटेज है, एंड इट इज़ क्वाइट अ बिग एडवांटेज, वो है एक प्रॉपर ऑटोमेटिक कार। टर्बो इंजन के साथ आपको CVT ट्रांसमिशन मिलता है, तो अगर आप सिटी यूज़ के लिए एक छोटी SUV ढूंढ रहे हैं और आपको एक स्मूथ हैसल फ्री ऑटोमेटिक चाहिए, तब आप रेनो काइगर या निसान मैग्नाइट को टेस्ट ड्राइव करना ना भूलें। रफली इसी बजट में या बजट को हल्का सा स्ट्रेच करके आपके पास टाटा एल्ट्रॉस का ऑप्शन ओपन अप हो जाता है। अब ये एक प्रीमियम हैचबैक है, सेम आर्किटेक्चर पे बनी है, स्पेस आपको पंच से ज़्यादा मिलने वाला है और फीचर्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एल्ट्रॉस में और एक ऑब्वियस एडवांटेज है, वो है डीजल इंजन का, जो आपको टाटा पंच के साथ नहीं मिलने वाला। तो अगर बॉडी स्टाइल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक सेफ और स्पेशियस गाड़ी इमीडिएटली घर ले आनी है, तब आप टाटा एल्ट्रॉस को कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, पंच में आपको AMT मिलेगा पर एल्ट्रॉस में नहीं। इज दैट अ डील ब्रेकर फॉर यू? लेट मी नो इन द कमेंट्स। महिंद्रा KUV100 और फोर्ड फ्रीस्टाइल, अब ये दोनों टेक्निकली ऑल्टरनेटिव्स तो हैं, लेकिन ये अपने अपने छोटे स्टार मार्क के साथ आते हैं। कहने का मतलब, कंडीशंस अप्लाई। देखिए, महिंद्रा KUV100 की बात करें तो ये थोड़ी सी अजीब दिखती है और इंटीरियर को भी एक प्रॉपर अपडेट की ज़रूरत है। एज अ प्रोडक्ट ये थोड़ी आउटडेटेड डेफिनेटली लगने लगी है, लेकिन अगर आपको इस गाड़ी पर एक तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, देन यू कैन कंसिडर बाइंग इट, नहीं तो इस गाड़ी से दूर रहने में ही समझदारी होगी। बात करें फोर्ड फ्रीस्टाइल के बारे में, तो यहाँ भी आपको फन टू ड्राइव इंजन्स मिलेंगे और अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी। इसका स्टार मार्क KUV100 से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि फोर्ड ने लोकल प्रोडक्शन कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक ख़त्म होने के बाद फ्रीस्टाइल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब इस वजह से फ्रीस्टाइल पर आप डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस केस में फ्रीस्टाइल एक सेंसिबल ऑप्शन आपके लिए बन सकती है। फोर्ड ने कस्टमर सर्विस को कंटिन्यू करने का दावा किया है, तो एज सच सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि टाटा पंच के अगेंस्ट क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला, नो डीजल इंजन। अगर आपकी रनिंग हाई है, माइलेज इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आप हाईवे ट्रिप्स करते हैं जिसके लिए एक डीजल इंजन आप प्रेफर करते हैं, वो ऑप्शन आपको टाटा पंच में नहीं मिलने वाला। दूसरा, टाटा पंच में ऑटोमेटिक का तो ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो होगा AMT। अब AMTs इन सालों में काफ़ी इम्प्रूव तो हुए हैं, लेकिन वो आज तक एक CVT टॉक कन्वर्टर या DSG जितने स्मूथ और जर्क फ्री और लैग फ्री नहीं बन पाए हैं। तो अगर एक स्मूथ ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आप चाहते हैं, तो वो शायद आपको टाटा पंच AMT में ना मिले। That's it for this episode of Buy or Hold। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। टाटा पंच को लेकर या उसके किसी राइवल को लेकर कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली। स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।